तो मुझे काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि Redmi 6 परचेस करना चाहिए या Realme 2, और दोनों फोन्स के बीच में ज्यादा प्राइस डिफरेंस भी नहीं है। Redmi 6 का प्राइस 8000 रुपीज है 3GB रैम मॉडल का, Realme 2 का 9000 रुपीज है 3GB रैम मॉडल का। मैंने इस वीडियो में कैमरा कंपैरिजन तो किया ही है, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पीड टेस्ट, रैम मैनेजमेंट, गेमिंग परफॉर्मेंस, किस फोन की बेटर है, पूरा डिटेल में कंपैरिजन किया है। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Redmi 6 में हमें पीछे की तरफ स्पीकर विंड्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल कैमरा सेटअप और एलईडी फ्लैश मिलती है। प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस फोन को होल्ड करोगे तो ये बिल्कुल भी प्रीमियम फील नहीं होता है, बहुत ही एवरेज लुक्स हैं इस फोन की। Realme 2 में हमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल कैमरा, एलईडी फ्लैश और फाइबर ग्लास का यूज किया गया है, जिसपे डायमंड कट डिजाइन दिया गया है। देखने में ये काफी अट्रैक्टिव लगता है और हाथ में होल्ड करने में Redmi 6 से बेटर फील होता है। आगे की तरफ इन दोनों ही फोन्स में ईयरपीस, कैमरा और कुछ सेंसर्स दिए गए हैं। Realme 2 में नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है जो मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं भी पसंद तो Redmi 6 आगे से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे जो चिन है उस पे काफी ज्यादा बड़े बेजल्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये फोन काफी आउटडेटेड लगता है। जबकि Realme 2 में अमेजिंग 88.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। अगर बात करें डिस्प्ले की तो Realme 2 में 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। ये एक IPS डिस्प्ले है, HD+ रेजोल्यूशन है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। Redmi 6 में 5.45 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है, ये भी एक HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती है, लेकिन यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। दोनों फोन्स IPS LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो वेल सैचुरेटेड है। स्टिल Realme 2 में आप वीडियोस और गेमिंग ज्यादा एंजॉय करोगे, बिकॉज जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 88.8% है। Redmi 6 में हमें 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है विद f2.0 एपर्चर और Realme 2 में 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है विद f2.2 एपर्चर। ये इमेज मैंने कैप्चर करी थी डेलाइट कंडीशंस में और इस सैम्पल शॉट में आप देख सकते हो Redmi 6 की इमेज में बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला है। इवन बैकग्राउंड में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डायनेमिक रेंज है वो भी स्लाइटली बेटर है, लेकिन फोरग्राउंड में मेरे फेस पे काफ़ी बेटर डिटेल्स देखने को मिली है Realme 2 की इमेज में। ओवरऑल इमेज ज़्यादा शार्प है Realme 2 की। इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से आप पोर्ट्रेट सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हो। दोनों फोन्स एजेस तो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकता। बैकग्राउंड में काफ़ी नेचुरल ब्लर देखने को मिला है, इवन जो स्किन टोन्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर देखने को मिली हैं, बट अगेन बेटर डिटेल्स देखने को मिली है Realme 2 की इमेज में। बात करें अगर रियर कैमरा की तो ये दोनों ही फोन्स डुअल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। Realme 2 में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है विद f2.2 एपर्चर, सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का है, ये एक डेप्थ सेंसर है और एपर्चर f2.4 है। Redmi 6 में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। दोनों ही सेंसर्स f2.2 एपर्चर के साथ आते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ्लावर का मैक्रो शॉट कैप्चर करा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही इमेजेस में इनफ डिटेल्स देखने को मिली है। सरप्राइजिंगली जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफी सिमिलर देखने को मिला है। ये इमेज मैंने कैप्चर करी थी इन दोनों फोन्स की डायनेमिक रेंज चेक करने के लिए। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में स्काई के जो कलर्स हैं वो वेल मेंटेन्ड है Realme 2 की इमेज में और स्लाइटली बेटर डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेता है Realme 2। इनफैक्ट नेक्स्ट इमेज में भी आप नोटिस करोगे Redmi 6 की इमेज में स्काई के कलर्स ब्लोन आउट हो गए हैं। अगर बात करें डिटेल्स की तो जूम करने के बाद जो टेक्स्ट है और जो टेक्सचर है वो ज़्यादा शार्प है Redmi 6 की इमेज में। इन दोनों फोन्स के रियर कैमरा से भी आप पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। जैसा कि आप इस सैम्पल शॉट में देख सकते हो Realme 2 की इमेज में स्मज्ड एजेस देखने को मिली है। Redmi 6 का पोर्ट्रेट मोड परफेक्ट तो नहीं है, बट ये एजेस थोड़ी बेटर डिटेक्ट कर लेता है। स्टिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर किसी एक को पिक करना हो तो Redmi 6 का पोर्ट्रेट मोड मेरे को थोड़ा बेटर लगा है। फाइनली अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी थी लोलाइट कंडीशंस में और यहाँ पे दोनों ही फोन सीरियसली काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नॉइज देखने को मिली है दोनों ही इमेजेस में। Redmi 6 लाइट तो ज़्यादा गैदर कर लेता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स ही नहीं है। लोलाइट कंडीशंस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इन दोनों फोन से फ्लैश ऑन करके ही इमेजेस कैप्चर करें। फ्लैश ऑन करने के बाद आप देख सकते हो Realme 2 की इमेज में नॉइस ज़्यादा रिड्यूस हुई है, इवन जो कलर्स हैं वो भी वेल बैलेंस्ड है और ज़्यादा एक्यूरेट हैं।
Realme 2 में हमें Qualcomm Snapdragon 450 मिलता है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्लॉक्ड है 1.8 GHz पे और हैवी गेम्स खेलने के लिए Adreno 506 GPU मिलता है। Redmi 6 में हमें MediaTek Helio P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जो क्लॉक्ड है 2 GHz पे और ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलने के लिए पावर VR GE8320 GPU मिलता है। एस्पेक्ट रेट मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स पे मैं खेल रहा हूँ। Realme 2 इस गेम को इजीली हैंडल कर लेता है, लेकिन Redmi 6 में थोड़े बहुत माइनर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों फोन्स में आप PUBG HD ग्राफिक्स पे नहीं खेल सकते, बैलेंस ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट्स पे ही खेल सकते हो। और जहां तक रही बात गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों ही फोन्स में एनिमेशन लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। स्टिल अगर किसी एक को पिक करना हो तो Realme 2 में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बेटर है, बिकॉज फ्रेम ड्रॉप्स थोड़े कम हैं एज कम्पेयर टू Redmi 6। लेकिन अगर आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस गेम को स्मूथ ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स पे खेल सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी एप्लीकेशंस जो बैकग्राउंड में रन कर रही है। अब स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट और देखते हैं कौन सा फोन बेटर परफॉर्म करता है। I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter when your answer ain't to God. You can call me killer, as you look into my eyes. Thank you.
तो आप क्लियरली देख सकते हो स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में रियलमी 2 क्लियर विनर है बिकॉज ये एप्लीकेशंस को पहले लॉन्च कर देता है। इन दोनों फोन्स में 3GB रैम मिलती है। अब चेक करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट किस फोन का बेटर है। तो Redmi 6 में एक्सेलेंट मेमोरी मैनेजमेंट देखने को मिला है। Realme 2 में हमें गेम स्पेस मिलता है और जब भी हम किसी गेम को ओपन करते हैं तो ये मेमोरी को क्लीन कर देता है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में मेमोरी में रह पाती हैं। तो अगर आपका बजट 8,000 रुपीज है तो मैं रिकमेंड करूंगा 1,000 रुपीज और ऐड करके आप Realme 2 को कंसिडर करो बिकॉज Redmi 6 में यार सिर्फ 3,000 mAh की बैटरी मिलती है। 720p डिस्प्ले होने की वजह से एक दिन का बैटरी बैकअप तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन Realme 2 में 720p डिस्प्ले ही है लेकिन 4,230 mAh की बैटरी मिलती है जो इजीली दो दिन का बैटरी बैकअप दे देती है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा फोन परचेस करना है। तो फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।